भैया पटेल नगर चलेंगे क्या? हाँ बैठो। ये लीजिए कॉफी। क्या हुआ? हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। कहाँ गया होगा? छोड़ो, वो चाहे जहां भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मेरे घर के दरवाजे तक नहीं आना चाहिए। तुम लोग एक काम करो, घड़ी के नुक्कड़ पे वेट करो, चलो जाओ। ठीक है भैया। भाई आपने लड़कों को नुक्कड़ पर खड़े होने के लिए कह दिया, अगर वो डायमंड कहीं और ले गया तो ले जाने दो ना। ले गया तब भी तो मैं ही जीतूंगा। वो अगर आ गया तब भी मैं ही जीतूंगा, नहीं आया तब भी मैं ही जीतूंगा। कम से कम वो नहीं आएगा तो जिंदा तो बच जाएगा। हाँ बोलो शक्ति भाई। मैं वहां बाइक से आ रहा था लेकिन बाइक में प्रॉब्लम हो गई है, अभी मैं वहां ऑटो से आ रहा हूँ, मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी, तू ऑपरेशन स्टार्ट करने को बोलना। मेरी बात कौन सुनेगा शक्ति, फिर भी देखता हूँ। किसी को फोन देना, मैं बात करता हूँ। मैं अभी देता हूँ, लाइन पर है, बात कीजिए ना। जी बोलिए सर। सिस्टर मैं रास्ते में हूँ सिस्टर, डॉक्टर से बात कराइए ना प्लीज। सर वो लोग नहीं सुनने वाले हैं, मेहरबानी करके जल्दी आ जाइए। मैं बस पहुंच रहा हूँ, जल्दी पहुंच रहा हूँ सिस्टर। शक्ति हाँ। जल्दी आ जाना भाई, मैं आ रहा हूँ यार, जल्दी आ जा। भैया इस रास्ते से क्यों चल रहे हैं? अरे भाई उस रास्ते पर पुलिस वाला खड़ा है, बेकार में पकड़ कर केस बना देगा, खामखा दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को लेट होगा, वैसे भी मेरी गाड़ी का परमिट नहीं है। अरे गली में घुसकर शॉर्टकट से ले चलूंगा। एक टीवी ले जाने के लिए कहा था, यहाँ आधा घंटा हो गया है लेकिन अभी तक गायब है, बिल्कुल कलेक्शन नहीं है, किस्त भी नहीं भरी है, बहुत मुसीबत है यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ए रुक दोबारा फोन करता हूँ। ए रुक 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 रुक, कौन है ये? ए इस रूट पे सवारी कैसे लेके जा रहा है? सवारी छोड़ने आया था, जाते समय खाली क्यों जाऊं इसलिए बैठा कर ले आया मैं। ए हर कोई यहाँ पे खाली रास्ता समझ कर रिक्शा चलाएगा तो एरिया के लोग क्या यहाँ बैठ के नाखून चबाएंगे? बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, उतारने के लिए कहोगे तो उतार दूंगा। उतारने के लिए कहो? ए भाई चलो सब लोग उतर जाओ, ये लफड़ा कर रहा है। भाई ये क्या रास्ते में आप उतार रहे हैं, मुझे वहाँ जल्द ही पहुँचना है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का एरिया वाला लफड़ा कर रहा है, मेहरबानी करके उतर जाओ। अरे भैया काहे को बकवास कर रहा है, गाड़ी का शीशा वीशा तोड़ दूंगा। ए उतरने देना। कार है? शराफत से बात कर रहा हूँ तो बोले जा रहा है, मुंह तोड़ दूंगा अभी। गर्मी चढ़ी है का? ए, मैंने कहा ना उतार देता हूँ, फिर चिल्ला क्यों रहा है, दिमाग खराब कर रहा है? क्या करेगा समझा क्या? रूट के तेरे बाप का है क्या? अरे इस रूट का तू नहीं परमिट लिया है क्या? इस रूट पर मैं नहीं चला सकता क्या? ऑटो को रोड टैक्स भर के चला रहा हूँ मैं, इसे कहीं भी चला सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, मेरा एरिया हमारा एरिया करके चले जाते हो, तू कौन होता है पूछने वाला? क्या रे परिवहन मंत्री की बात कर रहा है, चल निकल, भाषणबाजी करके हीरो बन रहा है का? एक दुगा कान के नीचे, कितनी मुश्किल से रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, तुम सवारी ले जाओगे तो हम अपनी किस्त कैसे भरेंगे? किस्त नहीं भर सकता तो भीख मांगना। हाँ उसके लिए बहुत से लोग बैठे हैं। बेकार का नाटक मत कर, चल निकल यहाँ से। अरे इस रोड पर मैं भी ऑटो चला सकता हूँ। क्या क्या जा 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 चल जा निकल यहाँ से। भैया प्लीज मेरी बात सुनिए। ए भाई गाड़ी नहीं आएगी, तू दूसरा ऑटो लेके निकल जा। जा ना
देखता हूँ कैसे जाता है। मेरी सवारी को जाने के लिए कहने वाला तू कौन होता है? मैं मानिक बादशाह हूँ, समझा? ऑफिस नहीं जाकर यहाँ पर बैठी हो? मुझे देखकर मजाक सूझ रहा है? अरे किसी बेवकूफ ने कुछ कह दिया और यहाँ डर कर बैठी हो? हाँ, तुम तो खुद को हिम्मत वाली कहती हो और फिर यहाँ हेलमेट पहन कर आई हो। हे, पहले तो ये टीवी ऑफ करो। ये टीवी बिना लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आखिर ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? हाँ, एक गुंडे ने मुझे धमकी दी है कि मेरे चेहरे पर एसिड डाल देगा। ये क्या कह रही हो तुम? एसिड? कहता है वो मुझे बहुत प्यार करता है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मेरे चेहरे पर एसिड डालने वाला है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, एक तरफ कहता है मुझसे प्यार करता है, दूसरी तरफ मुझे ही दुख पहुंचाता है। तो घर वालों को बताकर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? कंप्लेन करने से क्या होगा? ईव टीजिंग के नाम पर उसे 15 दिन रिमांड में रखेंगे, 16वें दिन वो बाहर आ जाएगा और मुझे कहीं जान से ही मार देगा गुस्से में। फिर क्या होगा? न्यूज में मेरी मौत की खबर आएगी, 10 दिन तक वो न्यूज आएगी और फिर सब भूल जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब आगे बढ़ेंगे और मेरा क्या होगा? कभी ये सोचा है? मतलब तुम ऐसे ही हेलमेट पहन के घूमती रहोगी? मुझे भूलने के लिए उनसे मिन्नत करने वाली हूँ। अपना फोन देना मुझे। तुम्हारा फोन कहाँ है? कल गुस्से में मैंने तोड़ दिया था, अभी इतने गुस्से में नहीं हूँ। नया नंबर है, वही होगी। बोलो क्या फैसला किया तुमने? तुमसे बात करनी है। कहाँ हो तुम? पेरूल के पास, किसी काम से आया हूँ, पहुँच के कॉल करता हूँ। जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। दोस्त, लड़की रास्ते पे आ गई। मैं चलती हूँ दीदी। यार ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए? अगर पुलिस के पास चली गई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, पुलिस के पास कभी नहीं जाएगी, वो जानती है वहाँ सेफ नहीं है। अरे वो कहीं भी जाए और कुछ भी करे, तुम्हें जो भी करना है करो यार, बाकी सब हम देख लेंगे। टाइम क्या हो रहा है भाई? उसे निकले हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी तक तो पहुंच गया होगा। लेकिन अभी तक फोन क्यों नहीं आया? उसी का है लगता है, लड़का पहुंच गया। उसे पैसे लेकर निकल गया क्या? क्यों भैया, पैसे कब भेज रहे हैं? पैसे कैसे पैसे, डायमंड तो हाथ आने दो। तुमने तो 1 घंटा कहा था, अभी 1.5 घंटा हो चुका है। लड़का अभी तक पहुंचा क्यों नहीं?
कहीं बैग खोलकर डायमंड तो नहीं देख लिए? उस लड़के के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लगता है कुछ और बात हो गई है। वो पैसों का बिल्कुल लालची नहीं है। नहीं भाई, उसके घर पर बाइक से आधे घंटे में पहुंच सकते हैं, अभी डेढ़ घंटा हो गया है, तो अब क्या समझे? उसे फोन लगाओ। फोन कट कर रहा है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं डायमंड लेकर लड़के को? हो सकता है भाई। डायमंड लेकर कहीं आपने ही तो लड़के को अगवा नहीं कर दिया? पांडे, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है, समझा? मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। धंधे का मान रखकर तुझे शर्त लगाई तो तू मुझ पे ही शक कर रहा है? हाँ, बेकार की बातें करेगा ना तो अच्छा नहीं होगा पांडे। कह देता हूं तुझसे, समझ गया? इसकी बातों से तो लग रहा है कि वो अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब लड़की ने डायमंड देख लिए हैं। उसे दोबारा फोन करो। भाई फोन कट कर रहा है। जब तक फोन नहीं उठाता उसे लगाते रहो। सर मेरी बात सुनिए भैया। भैया भैया एक इमरजेंसी है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। थैंक्स भैया, चलिए। उठाया फोन उसने? नहीं उठा रहा है भाई। रिंग जा रही है। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना, बहुत अर्जेंट है। शांति से बैठना, हम लोग हाईवे पर नहीं है, ट्रैफिक वाली सड़क पे जा रहे हैं। बेचारा समझ के लिफ्ट दी तो हुकुम चलाने लगा। ऐसी बात नहीं है भैया, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। टाइम पे पहुंच के अगर मैंने पैसे नहीं जमा किए तो कौन सा अस्पताल होता है? बस कहां पर? बस है यही पास वाले हॉस्पिटल में है। चिंता मत कर, पहुंच जाएंगे। ए, उसके घर में उसका दोस्त होगा, उसे उठाकर ले आओ। ठीक है भाई, जाओ। तुमसे अकेले में बात करनी है, अपने दोस्तों को यहीं पर रुकने के लिए कहो। क्या यार ओपनिंग में ही? हाँ ए बकवास बंद कर यार, हम तो बस बातें ही कर रहे हैं, लेकिन तू तो थोड़ी देर में ए चलो चलते हैं।
ये कहां से ले चल रहे हैं? ये शॉर्टकट है, यहां से जल्दी पहुंच जाएंगे। ये क्या है, रोक क्यों दिया आपने? उतर, बताता हूं। देखा, प्यार से प्यार नहीं हुआ लेकिन धमकाने से प्यार हो गया। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरे मम्मी पापा को प्यार व्यार पसंद नहीं है, उनके भी कुछ सपने हैं। मैं उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ो। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। जान बचाना चाहता है तो शराफत से ये बैग छोड़ करके भाग जा। ये आप ठीक नहीं कर रहे भैया। ए, मुझे सही गलत का ज्ञान मत दे, समझा? चुपचाप बैग रख के निकल जा यहाँ से। चुप कर, मैं कब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ। बहुत नाटक कर रही है तू। तू इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तेरे लिए बात उसने नहीं मानी तो